हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे इस YouTube चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों चलिए वीडियो के ऊपर बात करते हैं। मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर हम देखेंगे क्या कर सकते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में, कहां तक का टारगेट हो सकता है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड का, और पास्ट परफॉर्मेंस को देखेंगे किस तरीके से पैटर्न बन रहे थे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर, और हम अगले ट्रेडिंग डे में किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट को मैं इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। इसके पिछले परफॉर्मेंस को हम एनालाइज करेंगे, उससे हमें आने वाले ट्रेडिंग डे में क्या कर सकते हैं इसके बारे में नॉलेज मिल जाएगा। दोस्तों यह स्टॉक आज ओपन हुआ था 6739 रुपए के भाव में, हाई लगाया 6739 रुपए का, मतलब जिस पॉइंट पे स्टॉक आज ओपन हुआ उसी पॉइंट से गिरना शुरू हुआ, और लो हमें देखने को मिला 6502 रुपए का, और आज का क्लोजिंग प्राइस है 6520 रुपए करंट पे हमें देखने को मिल रहा है। दोस्तों आज गिरावट हुआ इसी स्टॉक्स में 306.50 रुपए का, परसेंट में देखेंगे तो -4.49% का गिरावट, मतलब 4.5% का गिरावट आज मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर हमें देखने को मिला है। चलिए देखते हैं आगे क्या कर सकते हैं हम। सबसे पहले पास्ट परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, इसके बाद हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे के ऊपर ऑटोमेटिक क्या करना है हमको समझ में आने लगेगा। मैंने नीचे के लिए ये देखिए एक जो सपोर्ट के रूप में इस लाइन को ड्रॉ कर रखा है, ये जो लाइन आप देख रहे हैं इसको मैंने एक सपोर्ट के रूप में ड्रॉ कर रखा, इसी पॉइंट से यहीं से हमारा एनालाइज शुरू होता है। दोस्तों ये देखिए फर्स्ट बार इस प्राइस को यह टेस्ट किया, इसके बाद एक ब्रेकडाउन होता है, ब्रेकडाउन होने के बाद यह वापस निकलता है और एक ऊपर निकल जाता है, एक नया हाई बनाते हुए हमें देखने को मिलता है ऊपर लेवल को, यह आराम से पहुंच जाता है इस आसपास आता है, और इस आसपास तक आने के बाद इसमें एक फिर से गिरावट होता है, ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन तक आता है, आने के बाद वापस एक गिरावट होता है, और वो गिरावट दोस्तों यह स्टॉक इस लाइन को यहाँ पे ब्रेक करता है यहाँ पे इस पॉइंट पे, और ऊपर निकलता है, एक नया हाई हमें देखने को मिलता है इस पॉइंट पे, एक नया हाई बनता है और यहाँ से यह गिरता है। अच्छा एक बड़ा सा कैंडल जो इस आसपास, यहाँ से ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है इस आसपास सपोर्ट लेता है, सपोर्ट लेने के बाद यह वापस ऊपर उठता है, और ऊपर का ये जो रेजिस्टेंस लाइन दिख रहा है आपको, इस लाइन को यह ब्रेक नहीं कर पाता है और वापस से गिरता है, और इस सपोर्ट लाइन में भी यह नहीं रुकता है, वापस आ जाता है नीचे का ये जो सपोर्ट लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे। इसलिए को लाइन को क्यों ड्रॉ किया है ये देखिए, यहाँ पे एक बार इसने हाई बनाकर रेजिस्टेंस क्रिएट किया हुआ था, तो अब यह ऊपर निकल गया भाव, तो सपोर्ट के रूप में हमें देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से वापस एक ब्रेक आउट होता है और वापस आ जाता है ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन के आसपास इस पॉइंट में, आने के बाद यहाँ से फिर से गिरावट होता है जो आ जाता है नीचे इस सपोर्ट लाइन के आसपास। इस लाइन को क्यों ड्रॉ किया है, क्योंकि यहाँ पे एक बार इसने रिटर्न किया है, यहाँ पे वापस आता है और ये रेजिस्टेंस लाइन ऊपर मिलता है इसको, यहाँ से फिर गिरावट होता है एक बार और इस सपोर्ट लाइन में आके फिर से फंसता है, वापस यहाँ पे निकलता है और ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन को ब्रेक करके, ये देखिए यहाँ पे एक डब्लू की आकृति का निर्माण हो गया इस पॉइंट पे, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे यहाँ से एक ब्रेकआउट होता है डब्लू पैटर्न का, और एक नया रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट करता है ये स्टॉक इस आसपास। जैसे ही इस आसपास एक रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, ये वापस नहीं निकल पाता है, वापस गिरता है और आ जाता है, यह पहले जो रेजिस्टेंस था यह सपोर्ट बन गया है अब, और इसी सपोर्ट लाइन के आसपास तक आ जाता है, आने के बाद फिर यह बाउंस बैक करता है ऊपर के लिए, और इस रेजिस्टेंस एरिया के आसपास आके फिर फंसता है, एक पैटर्न बनता है पुल एंड फ्लैग का इस तरीके से, इसके बाद एक बड़ा ब्रेकआउट होता है और ऊपर में जाके एक नया रेजिस्टेंस एरिया क्रिएट होता है, इसके बाद ऊपर इस रेजिस्टेंस एरिया को यह फिर यहाँ पे बीच में गिरता है और यहाँ पे रीटेस्टिंग होता है नीचे के लिए, सपोर्ट बन जाता है यह लाइन, और ऊपर फिर निकलता है और इसी रेजिस्टेंस एरिया से टकरा के गिरता है, और इस बार यह सपोर्ट एरिया नहीं रोक पाता है इसको, आ जाता है नीचे के लाइन में यहाँ पे इस सपोर्ट एरिया में आके यह रुकता है, रुकने के बाद फिर सपोर्ट लेके ऊपर निकलता है और ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन को यह क्रॉस नहीं कर पाता है इस पॉइंट को, वापस से गिर जाता है इस सपोर्ट लाइन को, यह ब्रेक करता है क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट बार सेकेंड बार और ये थर्ड बार होता है, इस कारण से ये रुक नहीं पाता है और आ जाता है नीचे के लेवल्स में, यहाँ पे ये जो लाइन है सपोर्ट लाइन है यहाँ पे आता है, आने के बाद सपोर्ट लेके वापस निकलता है और ऊपर के रेजिस्टेंस लाइन में फिर फंसता है, फंसने के बाद जब फिर नीचे आता है धीरे धीरे करके, नीचे आने के बाद ये फिर से सपोर्ट लाइन के आसपास आके होल्ड किया था काफी दिन से, अभी पिछला वीडियो मैंने
पूरा क्लियर इस बात को मेंशन किया है, समझाया है पूरा डायग्राम के साथ में किस तरीके से इसमें चाल हो रहा है और आगे का क्या चाल हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए, इस पॉइंट से हम लेते हैं, इस पॉइंट से सीधा गिरा और एक यहाँ पे पैटर्न बनाया इस तरीके से ऊपर नीचे करके, और यहाँ से धड़ाम से आज मार्केट गिर गया। अब इसके लिए आपको पता चल गया होगा कि इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन कौन से प्राइस में अब देखने को मिल रहा है। ये जो लाइन मैंने ड्रॉ कर रखी है यहाँ पे तीन बार सपोर्ट ले लिया इसने, अब फुल चांस है कि यहाँ तक बिल्कुल आएगा। हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 6,250 रुपए का होगा। दोस्तों आपको सिंपल वे में मैंने समझाने का प्रयास किया है कि मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर किस तरीके के मूव हो रहे थे पिछले काफी दिनों से, और आगे कब हम इन पास्ट परफॉर्मेंस को देखते हुए नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या कर सकते हैं, इसके एनालाइज भी आसानी से कर पा रहे थे। और जैसे ही आज 6,700 के भाव को ब्रेक किया डाउन साइड, हमें एक बड़ा टारगेट देखने को मिला, एक बड़ा मूव देखने को मिला। रीजन कुछ भी हो, लेकिन जो पैटर्न बन रहा था यह पैटर्न क्लियर दिखा रहा था कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, क्योंकि यहाँ से भी यह देखिए इस पॉइंट से सीधी यह गिरा, गिरने के बाद यहाँ एक साइडवेज पैटर्न बन रहा था, ये देखिए इस तरीके से, और यहाँ साइडवेज को जैसे ब्रेक डाउन किया एक बड़ा मूव देखने को मिला। तो ये भी पैटर्न एक अच्छा था क्योंकि यहाँ पे आके होल्ड कर रहा था, अदरवाइज ये ऊपर निकल जाता सपोर्ट लेके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये बार बार इसी लाइन को ठोक रहा था, रिटेस्ट कर रहा था, और अचानक से ब्रेक होता है आज और एक बड़ा मूव देखने को मिला। हम नेक्स्ट ट्रेडिंग डे में क्या कर सकते हैं, आज के लो के नीचे, आज का कैंडल का लो इस पॉइंट पे 6,500 के नीचे हम बिल्कुल सेल करके जा सकते हैं। हमारा जो टारगेट हो जाएगा दोस्तों वह होगा 6,250 रुपये का, मतलब 250 पॉइंट का टारगेट और हमारे लिए इस स्टॉक्स में बचा हुआ है। इसके बाद हम सतर्क हो जाएंगे कि ये जो सपोर्ट लाइन है इसको सपोर्ट लेके ऊपर आ सकता है, या इसी आसपास यह होल्ड करेगा इस तरीके से और फिर गिरेगा, ऐसा हो सकता है। तो मैं मेंशन कर देता हूँ प्राइस को यहाँ कि किस भाव के नीचे हम सेल करके जाएंगे मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड को। दोस्तों आज के लो के नीचे हम इसी स्टॉक्स को सेल करके जाएंगे, 6,500 के नीचे हम सेल करके जाएंगे। हमारा पहला टारगेट होगा 6,450 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा 6,400 रुपये का। और बड़ा फॉल हुआ तो एक ही दिन में हमें आज जिस तरीके से मूवमेंट आया उसी तरीके से आता है, तो हम एक ही दिन में 200-250 पॉइंट के टारगेट भी मिल जाएंगे। हम स्टॉप लॉस रखेंगे 50 पॉइंट ऊपर का, मतलब 6,550 रुपये का। तो दोस्तों मैंने यहाँ प्राइस को मेंशन कर दिया है, हम इस स्टॉक्स को सेल करके जा सकते हैं 6,500 रुपये के नीचे। हमारा पहला टारगेट होगा 6,450 रुपये का और दूसरा टारगेट होगा 6,400 रुपये का। इस दौरान हम स्टॉप लॉस रखेंगे अपना 6,550 रुपये का। दोस्तों बड़ा गिरावट हुआ तो हमको जो टारगेट मिल सकते हैं वह 6,250 रुपये तक के भी टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मतलब हम अपना जो ट्रेड लिए रहेंगे उसमें हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज भी कर सकते हैं मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के लिए, क्योंकि बड़ा मूव हमें देखने को मिल रहा है, काफ़ी स्पेस है इसके पास नीचे गिरने के लिए। आपको मैंने क्लियर शब्दों में समझाने का प्रयास किया है और पास्ट परफॉर्मेंस को भी पूरा एनालाइज करके दिखाया मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड के ऊपर कि किस तरीके से पिछला मूव इसमें हो रहे हैं और आगे हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को ऑन करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो में इतना ही, वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।